देखिए भाई, नया चैप्टर का नाम लिखिए, पीरियोडिक टेबल। ये भाई आराम से। आज रिपब्लिक डे है तो आप भी कोई सोने ही नहीं कर रहे हैं। आशीष बजरंग का पामर है। आशीष ट्रैक्टर लेके चलेंगे कि नहीं आज शाम तक? चलाने का नहीं। अरे हम लोग धक्का मारेंगे भाई। झूठ बोलोगे, खेत में चलाएगा तो बोल रहा हूँ। चलाएगा कोई कंपल्सरी है क्या कि जो जो नहीं चला पाएगा तो वो नहीं चला पाएगा? हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो पूरा फिजिक्स पढ़ा देते लेकिन बाइक नहीं चला पाते। रिपब्लिक डे मतलब हम लोग इस दिन भी अपने काम को थोड़ा सा प्रोसेस किया जा रहा है भाई। तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ दो पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, कोई भी त्योहार हो जाए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। पार्ट ए में क्या पढ़ेंगे भाई? पीरियोडिक टेबल। सर थोड़ा जो ऊपर वाली लाइन है ना जी, मतलब जहाँ पे लिखना है उसी को ऊपर वाली लाइन बना दीजिए ना। और ये जो होगा इस पार्ट बी में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल आएंगे। पीरियोडिक एक बार देख लो भाई, नहीं सही आ रहा तो नहीं सर, ऊपर का पीरियोडिक टेबल नहीं आ रहा है, उसके नीचे से आ रहा है। चलिए कोई बात, सर उसी के नीचे मतलब उधर पूरा आ रहा है, उधर पूरा ठीक है ना? तो सही है ना भाई ऐसी जी? सर ठीक जान लीजिए। तो एक देखिए पीरियोडिक टेबल, दूसरा आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा आपको? प्रॉपर्टी। लेकिन थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए क्या पढ़ा जाएगा भाई? क्योंकि जो नाम पहले का सुने एक बार थोड़ा सा सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा ना। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा भाई? पीरियोडिक प्रॉपर्टी से। ठीक है ना भैया? तो इसमें देखिए पहला लिखिएगा डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड। ये तो आप नाइन्थ में पढ़े होंगे ना आशीष जी? पढ़े, भूल गए। बोलिए भाई, टेंथ में पढ़े सर। डोबेराइनर ट्राइड ला, तो आप बताए कि अभी इसी साल पढ़े और इसी साल भूल गए हैं? सर पढ़े ही नहीं थे बढ़िया से। बोले भाई, लास्ट चैप्टर था उससे अधिक क्वेश्चन आता ही नहीं है। कोई बात नहीं। ये बनारस को किसकी नगरी बोलते हैं बताइए? विश्वनाथ काशी। अरे मतलब किसकी? महादेव की नगरी। महादेव की नगरी ना? यस। तो महादेव ना भाई, देवों के देव महादेव, उन्हीं को त्रिदेव भी बोलते हैं क्या? यस सर। बोलो भाई, यहाँ देखो इसको ट्रिक लॉ बोलते हैं, डोबेराइनर ट्रायड लॉ, यानी डोबेराइनर का त्रिक नियम। इसमें तीन एलिमेंट को सेटअप किया गया, कितने एलिमेंट्स को? और वो भी जो तीन एलिमेंट से वो सेम पीरियड के थे। कहाँ के? सेम पीरियड। सेम। अच्छा आप बताओ भैया आशीष जी, सेम पीरियड डाउन द ग्रुप होता है या टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट? सर सेम पीरियड, हाँ, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट। तो अगर सेम जब पीरियड बोल दिए गए इसमें, तो डी ब्लॉक के तीन एलिमेंट्स आएंगे, डी ब्लॉक के। अच्छा सेम ग्रुप बोलिएगा तो सेम ग्रुप में भी तीन एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसमें ये सेटअप किया गया। इधर देखिए भाई, एवरेज समझते हैं? एवरेज, यस सर। क्या बोलते हैं एवरेज? एवरेज दो का निकालना हो तो यस, एक दो बाई दो, वन और सेवन। इसमें देखिए, इसमें ये इन्होंने कहा कि भाई मान लो अगर कोई एलिमेंट्स ए है और ए है, ठीक है, और कोई एलिमेंट्स सी, एक एलिमेंट्स ए है और एक सी, तो बीच में क्या आएगा भाई? बी। और हमको बी का मास नहीं पता है, बी का मास नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि फर्स्ट का मास किसका भाई? फर्स्ट का मास प्लस सी का मास, ठीक है भाई, मतलब थर्ड सी का मास क्या ले लीजिए, तो ये अप्रोक्स किसके बराबर हो जाए? इक्वल नहीं, अप्रोक्स मीन्स लगभग। हो सकता है यहाँ पे अगर 20 हो तो लगभग आ जाए 20.1, हो सकता है यहाँ पे 20 मैंने दे दिया लगभग 22 point, मतलब इस तरह से लगभग। इन्होंने कहा कि सर पहले एलिमेंट का मास और तीसरे एलिमेंट का मास का जो एवरेज होगा वो लगभग किसके मास के बराबर होगा भाई? बी के, दूसरे के। पहले का मास और तीसरे का मास का जो एवरेज होगा वो लगभग किसके बराबर होगा भाई? बीच वाले के। बोलिए इसमें लिख लीजिएगा एग्जाम्पल ऑफ ट्रायड्स। डेफिनेशन नहीं पूछता भाई इसमें सर। टेंथ में पढ़े हो ना, फिर से पढ़े नहीं, कोई बात नहीं, उनको फर्स्ट एड मत कीजिए। एग्जाम्पल ऑफ
ट्रायड। लिखना भी चाहते थे कि लिख लेंगे, लेकिन उससे मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए खुद ही, या भी समझा दूंगा मैंने डिफिनेशन, तो बात खुद ही आप लिख लीजिएगा। देखिए पहला इसमें क्या है भाई, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई कि किसका किसका मास का एवरेज ले लीजिए, लिथियम और पोटेशियम का, तो लगभग किसके इक्वल होगा अप्रोक्स, सोडियम, सोडियम के, ठीक है भाई आशीष जी। दूसरा इन्होंने कहा इधर देखिए भाई, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, बताओ भाई आयोडीन का मास कितना होगा, आयोडीन कैसे नहीं, मैंने आयोडीन का बताया, आप बताओ जी, आप बताओ भाई, मोल कॉन्सेप्ट में एक बार आयोडीन आया था 127, आया होगा, चलिए इधर आइए, ठीक है भाई, अरे यार नाटक मत करो, ये देखिए आपका यही एग्जांपल। पहले बात ये है कि आपके बोर्ड में एग्जाम में आएगा नहीं, यदि आएगा भी तो यही पूछेंगे कि इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देंगे और तीन कोई दूसरा दे देंगे सेटअप करके, तीन आपको सेटअप दूसरा दे देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन सा डोबेनाइनेट ट्रायड ला को फॉलो करेगा, तीन तो एग्जाम्पल दे देंगे और तीन तो सेटअप, जैसे एक ऑप्शन ये हो गया ना ये, तीन ऑप्शन वो ये नहीं देंगे, तीन आपको दूसरा दे देंगे कोई, जैसे क्लोरीन दे दिए ना, हो सकते हैं वो ब्रोमीन के कोई दूसरा एलिमेंट दे देंगे, बात समझ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा इसमें जब भी होगा तो ये तीन का ही सेटअप होता है और ये किसी पीरियोडिक टेबल किसी पे अप्लाई नहीं होता, सर ये हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो जाता है, नहीं सिर्फ इतने पे ही अप्लाई होगा और किसी पे अप्लाई नहीं होता जी, पोटेशियम पे भी अप्लाई होगा, देखिए कैसे इन्होंने कहा, सुनिए कि जो फर्स्ट का मास होगा और जो सेकंड का मास होगा उसका, सॉरी फर्स्ट का और थर्ड का जब मास का एवरेज लीजिएगा तो लगभग किसके बराबर होगा भाई, सेकंड, ये बीच में कौन है भाई, सोडियम, तो इसके लिए पहले किसका मास ले लीजिए, लिथियम का, और वैसे बता भाई ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरीन प्लस आयोडीन, क्लोरीन प्लस ऐसी बता भाई, इस ट्रांसियम के लिए कैल्शियम प्लस, कैल्शियम प्लस ऐसी बताओ, कोबाल्ट के लिए भाई, चुप रहो तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आयरन प्लस निकिल, अरे आने की बात दूसरी है, समझ में, हाँ जी क्या बात बोलिए, सर जैसे हमको ये लिथियम और पोटेशियम आपके लिए, ऐसे सोडियम से पहले आता है नियॉन, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, देखो ठीक है, नहीं 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 आपने सही बोला दोस्त, लेकिन उस समय अभी नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये आप नहीं पढ़े थे अभी उस समय, उस समय नोबेल गैस की डिस्कवरी भाई, जब आपका देखिए वो मेंडली प्रोडक्ट टेबल आया था उनके समय भी नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो सर मैग्नीशियम लीजिए और सर फ्लोरीन लीजिए, क्या अरे नियॉन लीजिए, ये केमिस्ट्री है, फिक्स्ड वैल्यू बन गया, लिथियम ये तो काय सोडियम में ही है, इसमें इन्हीं पे ये रूल फॉलो करेगा और किसी पे फॉलो नहीं करेगा, बस ये चार पे ही फॉलो करेगा, अब यदि आप किसी पे लेना चाहते तो ले लीजिए, लेकिन वो फॉलो नहीं करेगा, ये तो अपने मन से हुआ बना दिए, देखिए बताते हैं कैसे ना, फिर आप जो बोलिएगा उसको भी रख के सेटअप कर लेंगे भाई, सर इसमें कितने तक एलिमेंट मतलब डिस्कवर हुए रहे, इस समय देखिए 58 पहले, उस समय वर्नियर ट्रेड के टाइम, उस समय करीब 18 या 20 तक ही डिस्कवर हुआ था, 58 बताते हैं सर, आयोडीन का वो जो आप 58 बोल रहे हैं, सुनिए 50 जो 8 आप बोल रहे हैं वो मेंडलीव के समय हुआ था 60 तक, लगभग 58 या 60 तक, अंठावन 60 63, बात समझ रहे हैं, इस समय देखिए आपने ये सुना होगा कि 118, बट उससे ज्यादा की डिस्कवरी हो चुकी है और प्रोडक्ट डिस्कवरी हो भी रही है, बट उनको अभी प्रोडक्ट में रखा नहीं गया है, लेकिन डिस्कवरी चल रही है, जिस तरह से देखिए नहीं पुनर्निर्माण है, जैसे विश्वनाथ मंदिर का वो खुदाई चल रहा है ना, बहुत अच्छा, तो वैसे हर तरह प्रोसेस चल रहा है, इधर देखो भाई थोड़ा सा इधर देखिए, लिथियम का मास बताइए, लिथियम का मास 7, पोटेशियम का मास 39 डिवाइड बाई कितना हो गया भाई 46 बाई कितना आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम का जो मास होगा कितना होगा भाई 23 होगा, वैसे क्लोरीन का बताओ भैया 35.5, आयोडीन का 127 अपान कितना आएगा भाई, जोड़िए भाई जोड़ो 157.5, बोले भाई आशीष जी इधर देखिए 162.5, ये 35.5 ऐसे कर लीजिए 162, ठीक है हाँ ठीक 162.5 अपॉन 2 81.25 आएगा, बोले भाई, तो यहाँ देखिए जो ब्रोमीन का
मास होता है वो लगभग 80 होता है, कितना जैसे हम लोग यहाँ फिलहाल क्या लगा देंगे एवरेज, लगभग अप्रोक्स इक्वल बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं बोल सकते सर, लेकिन 23 में तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं आ रहा है, 23 एग्जैक्ट है सोडियम का, 23.08 होता है, 23.08 है ना भैया, उसको 23 नहीं बोलते, कितना बोल देंगे 23.08 अरे मूर्ख आदमी यार, ये बताओ 23 के बाद अगर 0 बाद 8 लिखो इसकी कोई वैल्यू है? अरे सर कुछ का इसको याद ही नहीं, तो ये देखिए यहाँ फिलहाल ये सेटअप समझ गए भाई, ये इन्हीं पे अप्लाई होगा और किसी पे अप्लाई नहीं होगा, नोट कर लीजिए इसको, ये नहीं लिखना भाई, बस ऊपर का सेटअप लिख लो बस, दिखा देंगे सर मशीन मार, थोड़ा जल्दी लिखे बस नाम लिख लीजिए ना इसको, बस सिर्फ आप सिर्फ नाम लिख लो बस, ये सब कुछ भी मत लिखो, बस खाली क्या लिख लो डोबेराइनर ट्राइडला, नाम भी गाना सुन रहे थे तुम लोग, तेज हो गए, क्लोरीन और बेरियम, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, आयरन कोबाल्ट निकिल, ये इन्हीं चार पे अप्लाई होगा और किसी पे नहीं, चले भाई अगला, बस उतना ही लिखना भाई, ये सब मत लिखना आप लोग, नहीं तो आप भी बना सकते हैं, दो तीन खोज लेंगे कैसे बोल देंगे कि अभी आपसे एक काम बोला गया था, प्लेलिस्ट नहीं सेटअप कर पाए सर, आप दिए ही नहीं मोबाइल से, वो कल दिए हम, सोच हम कल बना दिए, बहुत इजी था, इजी था वो मैटर नहीं करता, आपने काम नहीं किया वो मैटर करता सर, आप है निकम्मे हैं, ये हम नहीं कह सकते मतलब, फेंक दीजिएगा अरे वो कल हम एक लोगों से पूछे ना, मतलब कंप्यूटर के ऑपरेटर थे, यस सर, तो मैंने कहा सर जी आप बनाए थे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट तो हमको भी बता दीजिए, तो कहे कि ठीक है बता दूंगा, कुछ खर्चा करना पड़ेगा, मैंने भी कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, ट्राई किया बस बन गया मुझसे, और मैं करीब आज बता रहा हूँ कि 250 वीडियो सेटअप किया प्ले लिस्ट में, कैसे प्ले लिस्ट, अभी आप जाइएगा देखिए ना चैनल पे, जो नहीं चैनल नए वाले जो आपको पढ़ा रहे हैं इस पे, उसमें प्ले लिस्ट मिलेगा आपको, देखिएगा उसमें चैप्टर वाइज पूरा होगा, बहुत अच्छा काम, अभी और सेटअप करते हैं आपके लिए भे, ठीक है, ताकि आंटी जी कुछ पूछेंगी तो बता दीजिएगा उसमें से देख कर, इधर देखो भाई नेक्स्ट लिखो आंटी जी, लॉ ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेट, ठीक है, या फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, हॉलैंड नहीं भाई, न्यूलैंड जी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फ्रॉम न्यूजीलैंड, से न्यूलैंड कहाँ के थे बताया नहीं, न्यूजीलैंड न्यूलैंड, इसमें कुछ आप लोग बताइए ना भाई, आप लोग भी तो पढ़े हैं ना, यस सर, ऑक्टेव का मतलब सर यहाँ पे 8 एलिमेंट्स है, ठीक, और सर जो मतलब फर्स्ट और एट, जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो फिर मतलब टाइम इंटरवल के बाद फिर एटवे पे मतलब सेम से। उसमें नहीं लिखा भाई, तुम यही तो देखो मैटर, उसमें आप क्या छेड़ रहे हो, उसमें सारे गामा, इन्होंने कहा इधर देखो भाई थोड़ा नाम बताओ, लिथियम के बाद किसके डिस्कवर हुए थे, सोडियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन, बस आठ ही, अच्छा इन्होंने जो सेटअप किया था इतने पे ही बेस्ड था, इन्होंने जो सेटअप किया था कितने पे बेस्ड था, सिर्फ इतने पे ही बेस्ड था, आप सत्यम जी अलग से इसमें नहीं जोड़िएगा, ठीक है, कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो इतने पे ही अप्लाई होगा, आप घर से किसी को नहीं जोड़िए, मत जोड़िएगा, हाँ इन्होंने बहुत अच्छा टर्म कहा, संगीत के 8 स्वर, यस यस, सा रे गा गा मा पा दा रे सा पा धी नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, नहीं ज्यादा नहीं खींचना है हम पहले कहते हैं कि दोस्त जितना इतने पे सेटअप करना है आपको अलग से खींचना नहीं, इन्होंने कहा कि जो भी आठवां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी जस्ट जो आठवां पहले वाला होगा उससे मैच करेगी, यस सर, अगर कोई भी एलिमेंट अगर आपने सिलिकॉन ले लिया इससे पहले जो भी इसका पहला होगा या आठवां होगा उसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी, जैसे यहाँ देखो भाई ऑक्सीजन है ना भैया, यस सर, तो इसके नीचे बाद जो आठवां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से मिलेगी, चलिए बोलिए भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
5, 6, 7, 8 तो जो भी आठवां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच होगी। इस ये टर्म किसने दिया था? न्यूलैंड लॉ। फिर जब बाद में नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई तो ये भाई साहब का फिर फेल हो गया। पर इतना समझ रहे धीरे धीरे कैसे प्रोसेस पड़ा? बोले भाई नहीं समझ पा रहे। कोई भी आप पार्ट देखो, इन्होंने कहा बहुत सही कहा भाई, देखिए सा रे गा मा पा दी नी सा, यानी फिर देखिए सेम हो गया ना, सेम वही स्वर आया ना भाई। अब तुम फिर मत बोलना दोस्त की फिर जब सर यहाँ लिखेगा इसी दोबारा यहाँ तो फिर सा तो ये रे तो कहाँ से आया? नहीं सर उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, सा हो गया ना, रे से शुरू करेंगे, रे गा। नहीं तो ये इनका कोई सर ये लगेगा फिर यही से लेके सेटअप करना है यहाँ पे, फिर से यहाँ से सा चालू कर, हाँ फिर यहाँ फिर चालू कर देंगे, समझ गए भैया इसको? Yes, तो ये लिखना नहीं बस वो समझ, न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्ट बस, इसमें कुछ मत लिखो बस नाम लिख लो यार, ये सब नहीं लिखा जाता है, सब एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों नाम लिख दो पढ़ ले तो पढ़ते कहाँ हैं बस सुनिए हम बता रहे मेन, देखिए हम लोग को पढ़ना पार्ट बी है, पार्ट ए आप लोग पढ़ के आए थोड़ा टेंथ में का, तो थोड़ा वो बता दीजिएगा ताकि थोड़ा आपको अट्रैक्शन लगेगा, अच्छा लगेगा, बात समझ रहे हैं? ठीक है। थर्ड आपका भाई लोथर मेयर कर्व, ये भी नाम नहीं सुने होंगे, एकदम सही, बहुत सही, बहुत सही भाई, उनको कहें थम भाई, एकदम सही तो बोल रहे हैं भाई, हम कहेंगे तुम प्री फाउंडेशन किए हो तो पढ़े नहीं रहोगे। ये देखिए भाई ये एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम और आपका इधर एटॉमिक वेट पे बेस्ड था, एटॉमिक वेट पे बेस्ड था, ठीक है भाई, और ऐसे इसको अरेंज किया गया था कुछ इस तरह से, ठीक है कृष्णा जी। यस, इसमें देखिए आपको समझना क्या, देखिए ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए यहाँ पे, देखिए और ये जब एकदम टॉप पे पहुंचे देखिए फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर कृष्णा जी, बोले भाई देखिए बॉटम की तरफ आ रहा है ना भाई, मतलब जिससे डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए आपका ये बॉटम है, ये क्या है आपका बॉटम नहीं बॉटम, और इसको देखिए पीक लेवल बोलते हैं टॉप, इसको क्या बोलते हैं भाई टॉप, और इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं भाई असेंडिंग, तो इसे क्या बोलिएगा डिसेंडिंग, इतना समझ गए पहले? बोल लीजिए पहले, इधर वाले को बॉटम नहीं बोलेंगे, इधर वाले को बॉटम, इधर यहाँ वाले को, तो आपको क्या प्रॉब्लम भाई, यही से लिख लो बॉटम, बॉटम का मतलब यही ना हुआ जहाँ से ये है, जैसे देखिए ये बॉटम हो जाएगा, यहाँ देखिए ये बॉटम हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे खींचेगा तो ऐसे फिर बॉटम होता रहेगा, क्यों ऐसे मतलब यार ये बता रहा है ना, इन्होंने ये जो डिस्कवरी था वो इन्होंने इसी बेस्ट पे लिया था, अच्छा एटॉमिक वॉल्यूम और किसके बेस पे, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के बेस्ट पे, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई क्या बोलिए ये भी फेल ही हो गया था, हाँ जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है देखिए, जो ये इंक्रीजिंग है ना इस पर रखा गया अल्कली मेटल को, ये जो ये है ना देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, रुक जा भाई लिखना मत कुछ, रुक जा, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर उस पर रखा गया अल्कली मेटल को, अल्कली मेटल किसको बोलते भाई, यस ब्लॉक में फर्स्ट ए का नाम सुने हैं, जैसे आपने कोई नाम सुना भाई लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, बोलिए भाई जो डिसेंडिंग ऑर्डर था इधर देखिए भाई डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ रखा गया अल्कली अर्थ मैटर को, किसको अल्कली, अल्कली का मतलब होता है बेसिक, अल्कली अर्थ मैटर ये आएगा सेकंड ए, दोनों को एक साथ आप चाहें तो बोल सकते हैं एस ब्लॉक, इसमें कौन आएगा भाई, ठीक है ये देखिए इसको बॉटम बोलते हैं ना, बोलो भाई बॉटम पे रखा गया ट्रांजिशन एलिमेंट को, किसको रखा गया भाई ट्रांजिशन एट बॉटम, बताएंगे भैया ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होता है, जब पीरियोडिक टेबल देखिएगा उसमें मिलेगा आपको डी ब्लॉक, क्या मिलेगा भाई डी ब्लॉक, किसको रखा गया वहां पे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक को, ये देखिए जो टॉप है ना ये टॉप इधर देखो, ये टॉप इधर देखो, रुक जाओ जो टॉप था वहां रखा गया अल्कली मेटल को, टॉप पे किसको रखा गया भाई टॉप पे, और ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग है ना उसमें हैलोजन को रखा गया, उसमें किसको रखा गया भाई हैलोजन को, हैलोजन में कौन इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई एक्स से, इसमें कौन आएगा फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, ठीक है भाई
फिर कल बाहर आए, फिर कल बाहर आए अंटे। हमने इस अष्टटाइन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो टॉप पर किसको रख दिया गया? टॉप पे सर अल्कली मेटल, अल्कली मेटल को। बॉटम पे? बॉटम पे सर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट को, या डी ब्लॉक बोल दीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैलोजन को, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सर डिक्रीजिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कली अर्थ मेटल। इतना समझ गए भाई? सर सारे मेटल तो अर्थ ही पे हैं, तो इसको कहां स्पेशल अर्थ मेटल? क्या अर्थ मेटल नहीं, कितने सारे मंडल में है। सुनिए सुनिए, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, तो ये दो के बीच में आता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, ठीक है। वो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि सर अल्कली अर्थ मेटल को क्यों अर्थ मेटल, बाकी सब कहां से आया? जब एस ब्लॉक पढ़िएगा तो जो अल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसको ये सुनिए ये, और इसको इसलिए बोलते क्योंकि जब इसको जला दीजिएगा तो मिट्टी की तरह इसका कलर हो जाता है। समझे से वो बोल रहा था क्यों? नेक्स्ट लिखिए नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना, वैसे ही उस समय क्या था कि जिस एलिमेंट्स का नाम मतलब 100 से ऊपर था, डिस्कवरी हो गई थी या नहीं था, स्पेस खाली था, तो अभी उसका नाम नहीं पता था किसी को। आपने देखा होगा बहुत, आप लोग समझ में भी नहीं होगा, बहुत से एलिमेंट्स जिनका पीरियोडिक टेबल में नाम नहीं अभी डिस्कवर हुआ था, एलिमेंट डिस्कवर हो चुका था लेकिन उसका नाम नहीं। तो उसके जगह देखिए लाया गया कि जिन, पहले हेडिंग लिख लेना भाई, IUPAC। आपने जो पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा IUPAC नेम। तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ जो करेंगे वो इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स का नेमिंग होगा, इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, वह एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो भाई, 100 या फिर 100 से, एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं भैया, एटॉमिक नंबर को जेड की वैल्यू 100 से क्या आया, तो 100 के बराबर या 100 से कम हो, देखा, कम होगा मतलब बेसी हो, आशीष जी कम होगा मतलब बेसी हो। ठीक है, सब कुछ तो इसमें देखिए रूल वन क्या था भाई, चाहेंगे कि बेसी हो तो हो जाएगा। आशीष जी कह रहे हम खुद कंफ्यूज्ड है। नहीं सर, इधर देखो इधर क्या लिखेंगे आशीष जी, भालू अगर पहने उल्टा पहन लिए हो क्या, इधर क्या लिखेंगे? लेकिन नंबर पहले से यहाँ स्टार्ट किससे होता है भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जीरो के लिए नाम क्या होगा भाई, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेफ, फिर जीरो नहीं लिखते, ऑक्ट, नॉन। हाँ जी बोलिए, जीरो हाँ, जैसे 100 का लिखना मान लीजिए तो जीरो नहीं आएगा। चलिए रूल नंबर वन है क्या ये, कि अगर जब हम नाम लिखेंगे हमें कौन सा भाई मिला अगर, तो उसके लिए पहले क्या लिखिएगा, वन टू बी बाई, थ्री ट्राई, फोर क्वाड, फिफ्थ सिक्स, सेवन सेफ्ट, सेफ्ट एट, नाइन नॉन, नॉन टेन भी होता है, तो टेन के कैसे लिखोगे, वन और जीरो ना, तो वन के लिए अन, जीरो के लिए नील। अब हमें ये बताओ भाई, रूल नंबर वन था, सर देख नील अनिल, अब रूल क्या लिखेंगे भाई, नील नहीं बनेगा ये से अनिल, पहले अब रूल नंबर हो गए टू, ये तो 100 तक कितने नंबर हो रहे हैं सर, 100 तक सर 99 कितने नंबर हैं ये सर, 101 अरे सौ तक कितने नंबर हो रहे हैं, तीन सर, अगर हम जैसे कोई भी देखिए 3 डिजिट आएगा ना, अगर 100 ऊपर लेंगे तो 3 डिजिट आएगा ना, बोलो भाई, तो पहले देखो क्या है यहाँ पे रूल टू, इधर देखो पहले ये फर्स्ट एलिमेंट का नाम लिखोगे, फिर सेकंड एलिमेंट का, फिर थर्ड एलिमेंट का, लास्ट में क्या जोड़ दीजिएगा, ईएम, क्या जोड़ देंगे भाई, आईयू, जैसे आप सोडियम नहीं बोलते, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हम जैसे ये नहीं टर्म बोलते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम टर्म बता देंगे,
कैल्शियम रुबिडियम बोल रहे हैं अभी, वो बात बोल रहे हैं, सौ से ऊपर पे आ रहे हैं पहले। जैसे हमें देखिए किसका नाम लिखना भाई, समझे नहीं, 101 तो फर्स्ट पे पहले कौन है, यूनि यूनि अन, तो पहले फर्स्ट का नाम लिखेंगे ऐसे अन, फिर अनिल, नील, फिर अन, लास्ट में आई यू एम, आई यू एम, समझ रहे ये थ्री, ये नहीं, ये देखोगे भाई, समझ गया सर। जैसे यहाँ देखो अपने मन से 105 ले लेगा, कितना 105 पहले, वन के लिए अन, जीरो के लिए नील, और फाइव के लिए पेंट, पेंट, और लास्ट में ऊपर नीचे हो गए। अब ऐसे आप कोई थ्री डिजिट बोल दीजिए कोई भी नंबर, अनिल पेंटियम, अनिल पेंटियम, अनिल अनियम सर। तो जब अब आप कोई थ्री डिजिट बोलिए ना पहले अपने, 999 चलो लिख लो, बिल्कुल 900 चलो, तो नन मतलब एन ओ एन, नोन 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 ईम, नोन 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 नियम, अब नुन्नू मत पढ़िएगा ठीक है, नोन 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 नियम, कौन सा एलिमेंट है नया डिस्कवर किया दूसरा। देखो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछेगा, दोस्त नाराज मत हो ना, 120 का पोस्ट है, किसका 120 ठीक है, यह हो सकता है आपसे 118 का पोस्ट है सर, बोले अगर एग्जाम में सवाल देखो यहाँ से अगर उठाएंगे वो या तो 120 का या फिर 118 का, मतलब ये सेटअप है, सेटअप पे वो बहुत आएंगे तो इतना तक आएंगे आपसे। आपको बस ये बताना है वन के लिए क्या लिखोगे फर्स्ट एलिमेंट, अन, टू के लिए वन वन, बाई, जीरो के लिए नील, अरे नल और नील अलग थे वो रामायण में, क्या लिखेंगे इसके लिए लास्ट में, अभी यहाँ क्या जोड़ दिए भाई, वैसे इसका बताओ, अन अन ऑक्ट प्लस, क्या मैटर है बोलिए भाई, यस सर ये होता है, समझ रहे हैं ऐसे सर। तो सोडियम में IUM क्यों लगाते हैं वो तो कर, वो अलग मैटर छोड़ दीजिए उसको, बस हम वो बोलने के लिए बोले थे आपसे। इधर देखो आप, जैसे अगर आपसे बोल दिया गया भाई UBN, तो इसका U का मतलब कितना हो गया, एक, एक, बी का मतलब, बी का मतलब टू, अरे बाई है ना वहाँ पे, मतलब जीरो, एन जीरो, सर एन से तो दो को बन रहा है, तब क्या लिखे, नौ, यस सर, यस सर, लेकिन एन देखो छोटा है इसमें, यहाँ पे जब रहेगा ना एन ओ, ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा रहेगा, तो बी भी बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा छोटा नहीं रहेगा, छोटी जब आएगा तो देख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है सर, अपना चलो रुकिए सर थोड़ा इसे नोट कर लें, नोट कर लो, उसमें वैसे ही बोलता बाबू भैया, बाबू भैया मतलब हम ये नहीं कह रहे, मतलब जैसे वहां पे ना मतलब इस तरह का मिलता है, थोड़ा तुम इधर करो, इधर करो, अरे यार प्रॉब्लम हो रहा है, तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, उनको भी नहीं समझ आ रहा है, भरवा भेज देता है हमें यार, यही बस जाते लगा सर जी के एकदम कपड़े पे, अब ऊपर नीचे लिख के अभी बहुत समझ नहीं आ रहा, तो तुम अपने से बना लो, क्या कर रहे हो यार तू, कल तुम तो राना तोड़ोगे कितना, कृष्णा जी भी आजकल फोन करते हैं तो कहेगा सत्यम जी अंकल बोला, और कृष्णा जी हम सोचे इसकी मम्मी नहीं, अरे बंद कर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये देखो ये चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
यही टॉपिक इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है आशीष जी। यस सर। इफेक्टिव पार्ट ए का है बी का है? पार्ट ए बी से कोई मतलब नहीं है। अभी जो इम्पोर्टेंट टर्म वो बता रहे हैं आपको, ये आपको किताब जब पढ़िएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलेगा। कहाँ पे? एनसीईआरटी पढ़िएगा तो कहाँ मिलेगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। बट अब हम उसको वहां ना सेटअप कर कहाँ समझा रहे हैं, यहाँ पर एक साथ हमारा दो काम हो जाएगा। बोलिए भाई, आप अगर पढ़िएगा घर एनसीईआरटी तो वो भी हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी वो मिल जाएगा। आशीष जी, आपने देखा कभी कुछ मोबाइल? यस सर, मोबाइल उस पर कवर लगाया जाता है। यस सर, पीछे आशीष का फोटो लगा रहा है। नहीं वो फोटो वाला नहीं, ज्यादा खर्च, फ्रंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्ले की। यस सर, वो क्यों लगाया जाता है? सर की जो नीचे का मतलब स्क्रीन है वो खराब है, इसीलिए। इसे देखिए, चश्मा बहुत पहली बार लगाए ब्लैक। यस सर, क्यों लगाए होंगे? क्योंकि सर स्टाइल भी इस टॉपिक को और अच्छे समझाने के लिए, इस टॉपिक को और अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, हो सकता है आप भी समझ जाइएगा, फिर आप भी लगाने लगिएगा। इसको देखो भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्टिव बोल दे, क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। या इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड स्टार से, किससे? जेड स्टार से। ठीक है भाई, या जेड स्टार वाला होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस जेड क्या बोलते हैं भाई? जेड किस की, जेड किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? सर एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यस सर, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये सही है ना? बिल्कुल। और अगर कोई एटम न्यूट्रल हो, क्या भाई? न्यूट्रल तो उतना इलेक्ट्रॉन भी होगा, उतना ही प्रोटॉन भी होगा। यस सर, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? होगा सर, प्रोटॉन भी होगा। यहाँ देखो ये दोस्त, ये क्या लिखा है? सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा का मतलब यहाँ होता है शील्डिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शील्डिंग। मतलब बाहुबली देखे हैं? बाहुबली देखे, उसमें शील्ड देखे हैं? शील्ड। यस सर, शील्ड देखे। किसको बोलते हैं शील्डिंग? शील्ड। शील्ड बोलते हैं जो बचाते हैं सर, जब घोड़ा से लड़ते हैं ना तलवार से, एक हाथ में लिए रहते हैं। यस सर, बाहुबली देखे जो कटप्पा को मारता है? तो नहीं, बाहुबली बाहुबली कटप्पा को मारता है, बाहुबली को मारता है। मतलब ये समझ रहे हैं क्या क्या कहना चाहते हैं सर? कपट, ये समझ रहे? कपट्टा नहीं भाई, एक और आई थी ना मूवी जिसमें साउथ का हीरो था, घोड़े से ही लड़ाई बहुत अच्छी और अच्छी रहती है। कोई है जिसमें वो पत्थर को काट कटा रहता है दो टुकड़े में, लास्ट में हो जाता है पत्थर, उस पे भी घोड़ा जंप करा देता है। सर वो साउथ की मूवी है। साउथ की है। इधर आ जाइए, उसमें रमेश चरण की कौन सा हीरो है? यस सर, रामचरण की क्या नाम है ना? हीरो वो बहुत से घोड़ा वाला रहता है। हाँ, ईश्वर शक्कर जी। ठीक ठीक, इधर आइए वापस थोड़ा सा, इधर आइए। इसी का देखिए दूसरा नाम उसी सिग्मा को क्या बोलते हैं भाई? स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं भाई? शील्डिंग। या इसी को बोलते हैं स्लैटर कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं भाई? स्लैटर। शील्डिंग इफेक्ट वही बोला है ना? क्या भाई? कुछ नहीं, वही चीज है। चाहे शील्डिंग इफेक्ट बोलो, चाहे शील्डिंग कॉन्स्टेंट बोलो, अगर तुम नाराज हो तो वो भी लिख दे रहा हूँ भाई। नहीं सर, समझ गए। ठीक है, इफेक्ट भी कर लो, उससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है दोस्त, इतना भी जिंदगी में परेशान नहीं हो मत। मेन हमारा फोकस करें न्यूक्लियर चार्ज पे, पहले फोकस करें। किस पर भाई? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस। एकदम सही, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। उसको और अच्छा से बोलना है तो चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। यस, चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर चार्ज ऑन बोलिएगा न्यूक्लियस, हो सकता है इलेक्ट्रॉन बोलने लगे। यस सर, यानी वह चार्ज जो कहां होगा भाई? न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। बस इतना ही। न्यूक्लियर चार्ज समझ गए भाई? यस सर। बोलिए भाई, चलिए समझिए थोड़ा सा। हाइड्रोजन का नाम सुने आप लोग? एकदम। हीलियम का। और बस ये दो एग्जांपल समझा दूंगा, जिस हिसाब से सीख जाओगे, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद फिर आप जितना बोलिए चलता रहेगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये है ना, इसे वन इलेक्ट्रॉन। यस सर। और हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भाई?
तो क्या हम दो इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिख लें, कोई ऑब्जेक्शन आपको? यस बोलिए भाई, यस क्या ऑब्जेक्शन? सब इलेक्ट्रॉन सर सेल में रहना चाहिए, तो दो लिख रहे हैं बस ऐसे ही समझने के लिए, फिर आप बाद में सेल बनाते रहिएगा। अच्छा एक ही सेल में दो उठा लेंगे, एक ही सेल में होता है हीलियम में, एक ही सेल में होता है, बस थोड़ा रुक जाइए समझ जाइएगा। देखिए अगर ये वन इलेक्ट्रॉन है, देखो इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, बोहर्स मॉडल का 8वां पोस्टुलेट, तो इतना ही यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये सुबह से शाम तक ऐसे घूमता रहेगा, आजीवन घूमता, आजीवन घूमता रहेगा। बोलो भाई सही समझ रहे, नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं, घूमने के लिए बोल रहे हो। अच्छा बताओ, घुमा रहे, रुक जाओ, यहाँ देखो ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपना फोर्स किधर लगाएगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा, दो मिनट के लिए, ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है ना, लेकिन वो एक ही इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड भाई रुक जाओ, इसको ये अपने तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? उसी समय इलेक्ट्रॉन इधर भी आना चाहेगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन पे दो तरह का फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और रिपल्सिव। ये बात समझ रहे हैं? अब हमको जो फोकस करना हो, किस पर फोकस करना है भाई? बाहर वाले, किस पर फोकस करना है? ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जब ये न्यूक्लियस खींचेगा अपने तरफ, ये बीच वाला क्या करेगा? रिपल्स करेगा सर, उसे रहता ही था, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मान लो लिथियम का बना के दिखाइए कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, yes, तो अगर ये न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरह जब खींचेगा, तो बीच वाला क्या करेगा? ढकेल देगा सर, एकदम सही इन्होंने कहा कि सर अगर जब इधर खींचेगा तो बीच वाला इसको इधर ढकेल देगा, कुछ न्यूक्लियस के फोर्स को अपोज करेगा क्या? यस सर, ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के फोर्स को अपोज करेगा क्या? अपोज समझ रहे? कुछ बाधा डालेगा, बाधा जैसे मान लीजिए दो मसाला भिड़ गए थे उसी में आप भी पहुंच गए, बीच में से कीजिएगा ना, रुको रुको, ये कह रहे हैं अपना माहौल बनाएंगे, इधर देखो थोड़ा आगे बढ़ो भाई, सोडियम पे इधर आजा, सोडियम पे आजा, सोडियम इधर आजा, सोडियम पे मेरा माहौल बना हुआ है। इधर देखो भाई, दो इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 1 इलेक्ट्रॉन, होता ना भैया ऐसे? बोलिए भाई, हमेशा हम इसमें जो भी सोचेंगे एकदम लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, किस पे? लास्ट। अब अगर इसको देखिए आशीष जी, ऐसे बना ले आपके लिए दो इलेक्ट्रॉन, जैसे ऐसे दिखा दीजिए, गिनिएगा बाद में, एक काउंट बहुत करते हैं, इधर आ जाओ, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा सेटअप करेंगे, क्या सेटअप करेंगे भाई? अब बताओ इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस किधर खींचेगा भाई? अंदर की तरफ, जब अपनी तरफ लगाएगा तो बीच के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपल करेंगे सर। इसी को दोस्त क्या नाम देते हैं? सेलिंग में क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग। जैसे आप देखो सर, जो बाहर से अगर कोई रोशनी आ रही है उसे फील करो भाई, मैंने ये ब्लैक इसीलिए लगाया है कि जो बाहर से जो भी धूल या पार्टिकल आएंगे इसे टकराए, कुछ रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे भाई? उसी लिए आपने जो मोबाइल पे टच लगाते हैं, आप देखो नहीं लगवाते अलग से, इसीलिए लगाते हैं जो उससे रोशनी निकलेगी वो कुछ कम होगी, आएगी आई पर, आपकी आंख पर आएगी तो कम पड़ेगी ना, यानी बीच का टच कुछ तो रोकेगा ना भैया, इसलिए देखिए अच्छे से अच्छे ग्लास लगवाते हैं। बोले भाई आशीष जी, नहीं कृष्णा जी, इसलिए कि जो रोशनी आएगी, अगर आपके आई पे डायरेक्ट लैपटॉप चलाते समय आपने लैपटॉप लिया होगा, देखा होगा, तो जितना अच्छा अगर ग्लास रहेगा उतना अच्छा उसको प्यूरिफायर करेगा ना, एंटीक। तो यहाँ फील करिएगा कि वो घातक मूवी देखे हैं? यस देखे हैं। आप देखे भैया सनी देओल? जी जी, उसमें कातिया का सीन देखे जब वो सीढ़ी वाला मैटर आता, जब नहीं देखे? बोलो भाई, वो जब कहता है सबको साथ एक साथ मारेंगे, ध्यान सुनिएगा, ये हीरो है, कौन है हीरो? सनी देओल। ये है कातिया, सही कातिल है, वो क्या है वो अलग मैटर है, फिलहाल कौन है? और यहाँ देखिए भाई, ये सनी देओल जी है, ये बस इतना लिख रहा हूँ हिंदी में सही रहेगा, ठीक है, असली नाम यही है भाई, चलिए शायद उनका उसमें नाम कुछ और रहता है, नाम कुछ भी, अमरनाथ कुछ ऐसे नाम रहता है, काशी 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 काशी, देखो मुद्दे के देखो कितना सटी थी, उधर कैसे कातिया, और अच्छी बात है हम लोग पढ़ भी कहा रहे हैं काशी में, थोड़ा फील कीजिएगा यहाँ पे, ये देखिए भाई जब काशी हमला किस पे करते हैं? कातिया पे, उसके 5 बच्चे आ जाते हैं, यस सर, एकदम आ जाते हैं, नहीं देखे
पांच भाई ना सर, भाई रहते सर, भाई ये मान लीजिए समझ गए ना, कोई आ गया बस इसका सपोर्ट एक करता है उसका साला इसका। हाँ हाँ जो मोटा सा था, जो मोटा सा रहता है गंजी पहन के, हाँ वो पूरे नहीं पूरे मुंह में गंजी नहीं पहनता है वो कसम खाए जब तक इसका काम नहीं होगा तब तक। थोड़ा इसमें फील करो जल्दी चले उधर चले यार। इधर देखो दोस्त, ये देखो जो कातिया है ठीक, ये इस पर पूरा फोर्स लगाएगा। यस सर। जो बीच के इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे भाई, इसको बोलेंगे वहीं पे रोकेंगे ना। इसी बीच वाले भी बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, कातिया ना क्या बोलते हैं दोस्त, स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसी को बोलते हैं शील्डिंग। समझ गया इसको क्या बोलते भाई, समझ गए इतना पहले कि जो बीच के इलेक्ट्रॉन है भाई ये इसको इधर खींचने से रोकते हैं, रोकते हैं। So, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे और शील्डिंग, तो हम कैसे देखे सुने कैसे पता कैसे करेंगे कि सर इधर देखो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, सेटअप थोड़ा गड़बड़ा गया ना, ये रुक जाओ भाई थोड़ा सेटअप गड़बड़ा गया यार। यहाँ पर किसको रखो भाई, काशी को, पर यहाँ किसको रखो, कातिया। अब देखो सेटअप एकदम समझ में आएगा एकदम, ये देखिए काशी किसको मारना चाहेगा, कातिया। इसको बचाने के लिए इसके भाई आएंगे ना बीच में, जो भी यार जितने भी सर आप जितने भी सब। अब सेटअप सही बना, एक और सेटअप देखो यहाँ, इधर देखो तुम समझ जाओगे, बहुत समझदार बच्चे। इधर देखो ये देखो न्यूक्लियस है पहले से, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो सर भल्लाल देव और नहीं 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 एकदम अरे इधर देखो इधर देखिए, ये कौन है भाई, धर्मेंद्र जी। यहाँ रुक जाओ, शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, इधर देखो इधर कौन है भाई, बसंती नाम सुने इधर लास्ट में देखो, जब ये बोलते हैं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचो, इधर देखो इधर देखो देखो इधर देखो इधर फील करो कितने धर्मेंद्र जी बड़े प्यार से किससे मिलना चाहते हैं, बसंती से। उसी समय गब्बर के आदि बीच में आ जाते हैं भैया, नहीं देखे ऐसा देखे, ये देखो ये किसको किससे मिलना चाहते हैं, बसंती से सर। लेकिन बीच में कौन आ गए, तो ये क्या करेंगे भाई, हीरो के पावर को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस कर देंगे ना। लेकिन अगर हीरो पावरफुल होगा तभी जाके किससे मिलेगा, बसंती से। तो फिर यही लव लुहान हो जाएगा ना। क्यों भाई, यस सर समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत फील कर रहे हैं। तो इसमें देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, आपने कहा सर इफेक्टिव का मतलब हुआ जेड, मतलब ये देखो ये पावर माइनस इन्होंने इसमें जितने को मारा, जो पावर बचेगा उसी प्यार से ना मिलेंगे, अब किससे, वो बसंती से सर। इनके अंदर जो भी एनर्जी होगी मान लीजिए फील कीजिएगा, पर इनसे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, yes, कुछ एनर्जी लॉस होगी कि नहीं, yes, जो एनर्जी बचेगी उसी एनर्जी किससे मिलेंगे वो, बसंती से। लेकिन तो सारे को मार पाएंगे तब लोग जाके बसंती से मिलेंगे, मारी देगा, सोले देंगे कि नहीं देंगे, जरूर पूछ इनसे सोले देंगे कि नहीं देंगे, तो क्या वो बसंती से मिलता है कि नहीं मिलता, नहीं देखे वो तो हेलीकॉप्टर भी खींच देते, वो अलग मैटर भाई, इधर इधर आ जा इधर आ जा, यस सर समझ गए समझ गए, ठीक नहीं तो अलग चला गया। तो इसी को दोस्त बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब मिल सकते हैं धर्मेंद्र बसंती से, स्क्रीनिंग इफेक्ट सर शील्डिंग। यहाँ देखिए ये हो गया आपका जेड, ये क्या हो गया भाई जेड, ये जो बीच में रोक रहे हैं इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, सिग्मा इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो बसंती आ जाएगी, तो उसकी एनर्जी निकल, उसकी एनर्जी मिल जाएगी ना, कितना पावर था वो जेम्स बॉन्ड, मिल जाएगी, क्यों भाई नहीं समझे, बहुत खतरनाक है, समझ रहे भाई। अब देखो तो बस इसको ऐसे लिखना, मत ऐसे मत लिखना बेकार लगेगा, बसंती भाई कितना तो सांसद है ना, देखिये वो एक समय आज के डेट में सांसद है, और किस कौन सांसद है, बसंती पागल हो गया सर, जो इलेक्ट्रॉन अपोज कर रहे हैं सर, सनी देओल सांसद है ना भाई, कम से कम उनका नाम रिस्पेक्ट से लिया जाएगा ना, बस समझ गए आप, सेटअप तो अलग मैटर है, सनी देओल जी जी बोलिए सांसद जी बोलिए, हाँ इलेक्ट्रॉन इनसे मिले, हाँ फर्स्ट सेल में है सर इसके लिए, अरे सिंपल सुनो ना यार तुम, इधर देखो ये तुम्हारी मसाला है, इधर तुम हो बीच में, तुम्हारे सारे लोग जब भी आप मिलना चाहोगे बीच में रिपल्सन करेंगे ना सर, उसके जो बाहर इलेक्ट्रॉन है मतलब उसके लिए होगा ना, अगर सर जैसे हमेशा बाहर पे सेटअप करेंगे तो जैसे अरे हाइड्रोजन है या हीलियम है तो उसका सर बाहर वाला कैसे, एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन बनेगा, हीलियम में बस एक इलेक्ट्रॉन रोकेगा और हाइड्रोजन में कोई शील्डिंग नहीं होगी सर, आशीष का हीलियम वाला यानी हाइड्रोजन में कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि वो आकर के
चिपक जाएगा। समझ गया सर। मान लो तुम उत्तर प्रदेश से हो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिएगा ना। आशीष का इंडियन वाला से चलो इधर देखो यार, मान लीजिए तुम उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में। ए भाई बम बार में इधर रुक जा, पल इधर देखो, इधर से देखो, ये सबसे देखो, यहाँ से अगर देखो आप तो सबसे दूर है ना। यस सर। इसको बोलते हैं आउटर सेल। आउटर सेल क्या बोलते हैं? आउटर सेल या बोल दीजिए वैलेंस सेल। वैलेंस वैलेंस सेल। इसको लिखते हैं एंथ। क्या लिखते हैं? एंथ। एंथ का मतलब आउटर। एंथ से देखो तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। क्या छापने लगा पहले? मत लिखो भाई, पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, ये होता है एन माइनस वन। क्या होता है एन माइनस? इसके बाद अब जितना बचा, इसके बाद इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट क्या बोलते हैं भाई? एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये होता है एन माइनस टू। बट एन माइनस टू नहीं बोलेंगे, अब जितना बचेगा इसी का दूसरा नाम है इनर सेल। इनर सेल। इसी का दूसरा नाम क्या भाई दोस्त? इनर सेल। इनर सेल। पहले इतना समझ गए? हमेशा आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, जब भी हम इसको काउंट करेंगे आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम उसी पे सेटअप कर रहे हैं ना, उसी पे काउंट करना चाहते हैं। क्या मतलब नोबल गैस इस समय? इधर देखो भाई, जैसे मैंने एग्जांपल सोडियम का ले लिया आशीष जी, इधर देखो समझो थोड़ा सा। ये दो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ये आठ हो गए भाई, ये आउटर सेल में कितना है? एक। तो हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम, क्योंकि ये शील्डिंग नहीं करेगा, हमें इसी को तो खींचना है ना। बात समझ रहे भैया? समझ गया सर। ये शील्डिंग नहीं करेगा, बसंती धर्मेंद्र का अपोज नहीं करेगी। नो सर। बोले भाई समझ रहे ना आप? ठीक है सर। हीर रांझा देखे होंगे? यस। नहीं देखे? बहुत मूवी देखते हैं। नहीं देखे लैला मजनू? बस फील कीजिएगा कि सर जो आउटर सेल में वो जो एकदम लास्ट वाला वो अपोज नहीं, ये तो उन्हें से मिलना चाहते हैं। अगर ये अपोज गया तो घर छोड़ के चले जाएंगे ना। उत्तर प्रदेश कहां दिल्ली से अपोज करेगा? चलिए इधर आइए। ठीक 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 ठीक। अब देखो दोस्त, यदि आउटर सेल में याद रखना चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, जो भी बात करेंगे वो पहले इतना छाप लो। यस सर। सर इसमें तो सर धर्मेंद्र बसंती से मिल जाए सर, ये मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा सर। अभी इनको नहीं मिलाना है ना अभी। अच्छा हम क्या बोले, केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के हर मतलब कैसे अपोज करेगी, समझो मतलब उत्तर प्रदेश के हो दिल्ली कैसे अपोज करेगी? इतना बड़ा दिमाग का और मत ले जाना, टॉपिक ऑफ रहने तो अच्छी बात है। कहीं और ले जाके फिर मिस हो जाओ, कल ऐसे ही हम पढ़ा रहे थे ना। एसीडी के स्ट्रेंथ पढ़ा रहे थे, तो हम बच्चों को कहीं और फील कराना चाहते थे, तो उसमें कुछ तो कहीं और फील कर रहे थे। हम कहा भाई देखो एक बात समझ लो पहले, हम जैसे सेटअप सेट की है उसमें अगर सेटअप समझोगे तुम्हारा टाइम बचेगा, दिमाग बचेगा, तुम उसमें और अगर सेटअप में सेटअप करोगे तो तुम कहीं और जाने लगोगे। भाई तुम ये कल से लेके आया करो ना, एक वो रखने वाला आप लोग बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम देते समय ले जाते। क्या बोलते इसको सब हम लोग खरीद हम रखे हैं, जबकि हम जब भी जाते हैं तो हम लेके जाते हैं। हम भी रखते हैं लेकिन इस बार भूल गए सर। या तो फिर बड़ी वाली वो ले लीजिए, सबसे अच्छा दोनों लोगों का काम करेगा। देखिए उधर रखा हुआ है। नहीं सर उसे लगेगा फील करने लगेंगे कहाँ पे हैं सर। वो क्या लिखे हैं? फ्लैटर कांस्टेंट। कहाँ पहुंचे भाई? लंका कांस्टेंट। लंका कांस्टेंट। अरे भाई शील्डिंग इफेक्ट है। अरे सर नीचे वाला फ्लैटर कांस्टेंट वही तो। तो लंका क्यों बोल रहे हैं? अरे सर उर्दू में लिखेंगे, तुमको नहीं समझ में आता? नहीं पहले यस लेटर समझ में आता। अपना दिमाग मत लगाओ, मुझे लगाने दो अपना दिमाग। झंडा दीजिए, झंडा दीजिए, बैनी कल मिलेगा। आज लूटेंगे क्या आप? यस सर। सेल क्या लिखते हैं? अच्छा बैलेंस सेल। हाँ बैलेंस सेल। स्कूल में जितना छिपाया था सब आशीष तोड़ के घर पे लेके आता है। बना लिया गया था तब क्या काम भी कर दो, स्कूल में जाओ। छुट्टी कर दी है तो मिठाई बांटने के बाद ना बांटना पड़े इसलिए।
फीस दिया है किस लिए? हम लोग स्कूल में बड़ा जबरदस्त मिठाई मिलता है, कभी खाया हो कि नहीं सुनते? बड़ा मजा लगता है खाने में, लेकिन बहुत झेला देते हैं यार, एक नहीं दो पीस देते लेकिन छह सात घंटा बैठा देते हैं। यस सर, हम लोग भी पहले थे ना, तो हम लोग मेन वही टारगेट रहता था कब मिलेगा, लेना है कब मिलेगा, और उस 8 बजे आके 2 बजा देते थे। नहीं सर, हम लोग और 11 हो गया मिठाई देते थे, तो 9 बजे आशीष जी वो मिठाई देते थे ना, तो मिठाई लीजिए गेट से बाहर जाइए। अरे भैया गजब रूल है, तो एक बार मन करता था तीन डबलिया लिया जाए, ऐसा रूल बना दिए थे कि जब तक बटेंगे तो कोई अंदर आएगा नहीं, ये समस्या थी। फिर बड़ा नुकसान हो गया था उस बार, तब फिर हम लोग क्या किया, झंडा वंडा जो लगा था उसी को लेकर घर आए, एडजस्ट किया गया। मैम जो क्लास टीचर थी बड़ा गुस्सा हो रही थी। नहीं तो हम लोग में 3 रहते 4 मिठाई रहते, हम लोगों में एक बर्फी रहता है, एक लड्डू रहता है, ऐसा है कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे रहते सबका झंडा सब ले लेते। सब ठीक है, इतना छापे तो आगे चले। बस एक बात याद रखिएगा कि आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, उस पर हम शील्डिंग काउंट नहीं करेंगे, समझ गए? या उसी को पॉइंट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, उस पर हम जल्दी लिखो यार तुम लोग जल्दी लिखो भाई, थोड़ा इसको खींच खाच के कवर किया जाए, ये सब पता नहीं क्या धीरे धीरे कर रहा है अपने में तुम लोग। और याद रखिएगा भाई, ये जेल डिफेक्टिव का मतलब न्यूक्लियस का पावर। यस सर, ठीक है, चले भाई आगे। सर बाहर मतलब आउटरमोस्ट सेल का फील्डिंग इफेक्ट नहीं बनता है, पहले ये कौन बोला कि नहीं बनता है? नहीं मतलब उसे छोड़ देते हैं, उससे नहीं लेते, नहीं छोड़ देते हम, बोला हमने बोला एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, तो आपने बोला नहीं छोड़ देते हैं। अच्छा समझ जाइए, चलो इधर देखो, ईच ऑर्बिटल ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल कंट्रीब्यूट्स, ये मिटा दें भैया ये सब, ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल, सर ये टॉपिक है? नहीं नहीं इसी में लिखना है, मतलब ऐसे ही नंबर डाल के, ईच ऑर्बिटल ऑफ आउटर सेल कंटेन कंट्रीब्यूट्स 0.352 सिग्मा। ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल, सर कंट्रीब्यूट्स के बाद क्या लिखा है सर? ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ, हाँ जी देख लो, 0.35 each electron of penultimate cell, अब यही चार्ज ब्रैकेट में लीजिएगा nth, यहाँ पे क्या भाई nth, ठीक, यहाँ ब्रैकेट में n माइनस penultimate cell contributes 0.852 sigma। फिर इसका मतलब क्या है? अभी बता रहे भैया, ट्रैक्टर रहे तो चलने में कोई जोश भी बनेगा। अगर लोग को देख के चलने में मजा, तो वही तो माहौल होता है। ये देखो n माइनस 2 लिखा, लेकिन जितना बचेगा सर, सर बस कोई आज हंगामा ना हो, बस उपद्रवी दल, बस इतना लिख लो भाई, बात को सेटअप किया जाए थोड़ा। आउटर सेल अगर है 0.35 और यदि आपका जल्दी लिखो क्या पेनल्टीमेट है तो 0.85, अगर एंटी पेनल्टीमेट है तो सपना मालूम ही सब क्या लिखते हैं सर, बोल बोल के करवाते तब पर सर, दोनों पेन सर ये एंटी होगा ना तीसरा वाला, क्या के पेन एंटी लगा लेगा, आंटी आंटी लगा लेना भाई, एंटी पेनल्टीमेट, हम देखो लिखे हैं, हम लिखो हम जानते हैं, ये देखो हम लोग का बोले गलती है, अरे ना ही हो समझे, कहे तो हर गलत होना है, क्यों तुम्हारा गलत होगा, तू ही तो क्लास का शेर हो, शेर नहीं बनना है बब्बर शेर बनना, एक
कह रहे जैसे चल रहा वैसे चलने दीजिए। अब देखो भाई, अब अगर बात करते हैं हाइड्रोजन से, किससे? हाइड्रोजन से। ये तो नाम सुना ही होगा ना आपने भाई, दिख रहा ना भैया? बुरा अंदर दिख रहा ना? दिख रहा है नहीं, कैमरा में देख लो, दिख रहा है नहीं सर? कृष्ण जी लिथियम के बाद नहीं दिख रहा, वही ना भाई? ऐसे क्यों बोल रहा है? नहीं दिख रहा है, साफ सेटअप सही नहीं किया हम, सेटअप चुप रहे जान जान दीजिए, सेटअप बेटर, टाइम बर्बाद मत करिए, मेरे पास और भी जगह है। फटाफट आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका खींच दीजिएगा क्या? यस सर, बोल दीजिए फटाफट। अच्छा ऐसे खींचना है? बोलिए भाई बोलिए। क्या होता है लेटेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2 2s2 2s2 2p2 2p2 क्या बोलिए? 1s2 2s2 2p3। सही है भाई? यस सर, एकदम सही है सर। अब देखो जैसे अभी और थोड़ा खींच लेते हैं सर, आने दीजिए। नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अभी भी सर वो नहीं, ये फटाफट पहले बोलो आप तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बता दें। 1s2 नहीं, एक साथ बोले, स्क्वायर हमने कब बोले था? 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5। इसके बाद क्या आता है? डी आता है याद है? हाँ, 4D. सिक्स तक जाएगा भाई। यस सर, वो सिक्स तक जाएगा। उसके बाद 4D। आप इनको यही क्यों अभी डी भेज रहे हैं? नहीं सर, उसको बता रहे हैं। उसके बाद अभी और बताओ, सिलिकॉन हुआ ना अभी, आगे बोलो भाई। खोलो बस, खींचा गया, नहीं खींच लीजिए। ये देखो पूरा बोर्ड आ रहा है भाई, वो सब साफ नहीं आता। चलो हमारा छोड़ो, इसका बताओ पहले। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 बहुत अच्छा है, वेरी गुड। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 उतना अच्छा नहीं लिखा जितना अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बहुत अच्छा भाई। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4s1 बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बोलिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 बहुत अच्छा, इतना समझ गए पहले आप लोग? अब बोलो भाई, अब इसमें से किस एलिमेंट्स पे कैलकुलेट किया जाए? किसी पे भी कर लीजिए, अल्मोनियम पे। पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम से। कहाँ स्टार्ट करते हैं भाई? अल्मोनियम। देखो पहले कहाँ से भैया? सोडियम। सोडियम से तो ये बताओ, देखो यहाँ पे सेल का नंबर कितना है? 3s1 और ये देखो 3 2 5 3 2 5 6 2 8 और ये देखो भाई 2। हम ये कहना चाहते हैं भैया, ये जो 3 लिखा है आपका आउटर सेल हो गया। यस सर। बोलो भाई, एन हो गया ना? एन। ये देखो ये जो आपका ये दोनों, ये एन माइनस वन हो गया क्या? 2s1 2p6। इधर देखिए भाई कृष्णा जी, ये बोर्ड पे भी लिखा है एन माइनस, इसमें दोनों आएंगे कि नहीं? yes. आएगा कि नहीं सोच लो एक बार। और ये देखो ये अब यहाँ से करते 3 है, 2 कम हो गया कि नहीं? ये तीसरा हो गया कि नहीं भाई? बोलो फिर से बताइए सर। ये सेल बता रहे हैं सर ना? तो यहाँ पे जो लिखवाए थे ये वाले, पहले ये बताओ वैलेंस सेल लिखे थे? समझ गया सर। ये आउटर सेल? यस सर। एन लिखे थे कि नहीं? एन। हाँ सर। एन का मतलब देखो ये सबसे बड़ा नंबर 3 आ गया कि नहीं? यस सर। फिर पेनल्टीमेट आप एन माइनस 1 लिखे थे कि नहीं? देखो इसमें दोनों आ गए ना 2, और ये भी 2 है सर, 2 भी। इसमें तो एक ही को सर, दोनों कैसे आ रहे हैं? एक ही को रिप्रेजेंट किए थे किसको? पेनल्टीमेट में तो एन माइनस 1 लिखे थे कि नहीं? लिखे थे। एन माइनस 1 कहाँ पे? देखो पहले रो मत, चुप रहो बाबू। हाँ सर। ये बताओ 3 में से देखो दोनों कम है कि एन माइनस 1? थर्ड में क्या लिखे थे? एन माइनस 2। एन में से 2 घटाओ, 3 में से 2 घटाओ, 1 आ गया सर।
सर उसमें दो ले लिए हैं, लेकिन आप जब फिगर बनाए थे पेनल्टी में सेल में तो उसमें एक ही कर बताया एन माइनस वन बोले थे कि नहीं। यस सर, ये तो एन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखते हैं कि नहीं। यस सर, ये प्रिंसिपल देखो सबसे बड़ा यंत्र मतलब थ्री हो गया कि नहीं। यस सर, जब कम कीजिएगा तो ये दोनों आ जाएंगे उसमें। ये बात सर बोल रहे चलो समझ गए, इधर आ जाओ। अब यहाँ देखो अगर यहाँ बताओ तो इसको क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा हो गया आउटर सेल, नहीं हो गया ये आउटर हो गया। देखो टू टू टू, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं ना है, समझ गए। ये देखो ये हो गया पेनल्टीमेट। अब इसमें n माइनस टू तो उसके बारे में नहीं सोचेंगे, थोड़ा थोड़ा समझदार yes, आ जाओ तब। इसको बताओ इसमें तो सोचेंगे आउटर सेल yes, ये पेनल्टीमेट और इनर सेल इसमें नहीं है। इधर आ जाओ, ये देखो सबसे बड़ा फोर है इसमें, इससे बड़ा कोई है क्या बोलिएगा इसको, हाँ एकदम सही आउटर या वैलेंस सेल। अब देखो एन फोर से ये दोनों कम है ना, इसको एन माइनस वन, अब जितना बचा एन माइनस टू सर, लेकिन ठीक है, लेकिन फोर माइनस टू टू होगा, लेकिन वन पास कर गया। मतलब मैंने उसी में बोला था भैया जितना बचेगा सब इसमें आ जाएगा, नहीं बोला था मैंने, बोला था तो आपने क्या सुना था फिर, ये दो के बाद ये लास्ट वाला लास्ट वाला माइनस टू नहीं है, हमने भैया कहा था जितना बचेगा सब आ जाएगा, निकाले थे ना, ये बात आप ध्यान नहीं दिए थे। फिर बोल रहा हूँ रख लो कि जितना बचा सब उसमें आ गया, ध्यान रख लो। इधर देखो ये आउटर सेल मानोगे कि नहीं मानोगे, मान लेंगे इसको बताओ, पेनल्टीमेंट मानोगे ना, अब जितना बचा एंटी पेनल्टी, एंटी आंटी 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 पेनल्टीमेंट से एयू हो जाएगा, एयू आओ इधर, कुछ समझ पा रहे भैया पहले। इधर देखो आंटी वाले, इधर देखो, इधर देखो, पहले इधर देखो, इधर देखो, इसको क्या बोलेंगे आउटर से, इसको क्या बोलेंगे पेनल्टीमेट से, इसको क्या बोलेंगे एंटी। सर इतना समझ गए, बोलने सीखे नहीं सीखे, बोलो भाई। अब देखो ये दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा आउटर, ये क्या हो जाएगा पेनल्टी में, जब पेनल्टी सुने ना भाई। यस सर सुन लिए, बार बार बोल रहा है सर, तो भाई बार बार बोलेगा तभी ना हर साल होगा, कर रहा है जीवन लड़खड़ा जा। ये बताओ भाई अब सोडियम का एग्जांपल लिए, कितना लिए किसका सोडियम, तो बताओ पहले इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ देख के बताओ, इधर है सर बीच वाले में, इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम में देखो, वन सर, इनर में, इनर में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, वन है, टू है, आप सही इलेक्ट्रॉन लो है, सेल लो है ना भैया, फिर इनर में दो, वेल पेनल्टीमेट में बताओ सर, दो छह दो आठ आठ, अच्छा और आउटर में बताओ, मेरा ही गिरा वन है सर, वन पहले इतना देखो, इतना समझ के पहले आउटर में कितना है, कल से वो हिमालय पर्वत पे खड़ा नहीं किया तुम लोग जाओगे, ठीक है जा भाई रुक जा पहले भागो मत, पहले तुम समझ गए दो आठ एक कहाँ से आ गया, यस सर, ये बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सा सेल है, आउटर, ये कौन सा भाई पेनल्टीमेट, ये कौन सा है एंटी पेनल्टीमेट, वैसे ही बताओ हमको मैग्नीशियम का, तो पहले आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, आउटर में दो है, दो पेनल्टीमेट है बताओ, मैग्नीशियम पूछे मैग्नीशियम पूछे भाई, दो आठ दो, एकदम सही दो आठ दो, पहले ये समझ गए भाई, वैसे एल्युमिनियम में बताओ, एल्युमिनियम सर एक तीन है सर, अरे सर एक और दो आठ दो आठ तीन, क्या इतना समझ गए, यस सर, बोलो भाई, अब ये देखो कहाँ पे एल्युमिनियम, ये देखो फिर देखो इसी में बढ़ रहा है ना अभी, देखो यहाँ फिर देखो इधर इसी में बढ़ रहा है ना, यहाँ तक देखो, अगर सीधे आर्गन का पूछे किसका आउटर में कितना भाई, देखा दो आठ दस आठ, पेनल्टीमेट में आठ आठ और इनर में दो, किसका था, अब अपना छेड़फाड़ शुरू किया जाए, बोले भाई अब बताओ आउटर सेल का कंट्रीब्यूशन कितना है भाई, जीरो पॉइंट ईच ऑफ आउटर सेल कंट्रीब्यूट्स 0.35 टू सिग्मा, यानी आउटर सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, पहले पहले कितना मान लीजिए भाई, एक तो कितना सेलिंग करेगा, 0.35 दो है तो टू इंटू 0.35, थ्री है तो फोर है तो फाइव है तो क्या है, इतना समझ रहे पहले, वैसे आज पेनल्टीमेट में अगर पेनल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, एक तो कितना सेलिंग करेगा,
दो है तो टू इंटू जीरो पॉइंट एट, थ्री है तो थ्री इंटू जीरो, फोर है तो फोर इंटू जीरो पॉइंट एट, फाइव है तो फाइव इंटू जीरो पॉइंट एट। अच्छा इसमें आ जाओ इनर में, अगर इनर में वन इलेक्ट्रॉन तो उसका शील्डिंग कितना होगा भाई, वन, टू इलेक्ट्रॉन है तो टू, थ्री है तो थ्री, फोर है तो फोर, फाइव है तो फाइव, सिक्स है तो वन इंटू सिक्स, वन इंटू सिक्स। आ जाओ अब सब में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ना है भाई, जब हम शील्डिंग का कैलकुलेट करेंगे तो आउटर में कितना छोड़ देना है, तो बताओ सोडियम के आउटर सेल में कितना है, तो एक छोड़ दो कितना बचा, जीरो। अब इसमें शील्डिंग कितना होता है, कितना हो जाएगा, ये समझ गया कैसे सर, एक ही इलेक्ट्रॉन है, पर सुनिए आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, एक छोड़ दीजिए तो शील्डिंग करेगा। अच्छा मैग्नीशियम में आ जाओ, इसमें कितने हैं भाई, दो, एक छोड़ दो जीरो पॉइंट, पहले कितना बचा शील्डिंग के लिए, एक, और एक का कंट्रीब्यूशन जीरो पॉइंट, पहले इतना समझ गए भाई, मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट। इधर आ जाओ भाई, अब बताओ एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, तीन है ना, शील्डिंग कितने करेंगे, टू इंटू क्या लिखे जीरो पॉइंट थ्री, यही होता है ना भाई, क्या लिखो जीरो पॉइंट सेवन जीरो लिखते हैं इसको। इधर आ जाओ, कितने बचे यहाँ पे देखा, सात सर, है कितना, आठ, लेकिन कितने शील्डिंग करेंगे, सात, तो क्या लिखे सेवन इंटू जीरो पॉइंट थ्री फाइव, सात पांच पैंतीस। सर वो छोड़ दिए पहले, इतना पहले समझ पा रहे नहीं, वो बताइए। आप बोले थे कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं, तो इसलिए उनको शील्डिंग के लिए नहीं लेते हैं, एक तो एक को नहीं, आउटर में सिर्फ एक है तो उसी पर निकाल रहे हैं, बट अगर दो होगा एक तो रोकेगा ना, नहीं रोकेगा, अगर दो देखिए हमारे किसी कहीं होगा, देखिए इसमें आउटर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, नौ, तो अब आउटर से दो इलेक्ट्रॉन हो गए ना, यस सर, बोले भाई एक पे तुम्हारे आप सेल्डिंग कर रहे हैं तो एक तो रोकेगा ना उसके बगल वाला, बोलेगा हमसे कहां आगे, आपने ध्यान से देखिएगा जो अभी आपने देखा था धर्मेंद्र वाली मूवी, उसमें लास्ट में वो भी तो रहते ना अमिताभ बच्चन जी, दो लोग हो गए तो रोकते है ना कुछ, इधर आ जाओ भाई, अब बताओ अगर इसमें कौन सा एग्जाम्पल चला था भाई, सोडियम, कितने इलेक्ट्रॉन है, आठ, ये पेनल्टीमेट में है ना, और पेनल्टीमेट में एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, पेनल्टीमेट में एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई, आठ इलेक्ट्रॉन का, एट इंटू जीरो पॉइंट एट फाइव, यहाँ बताओ भाई आठ है कि नहीं, तो पेनल्टीमेट क्या लिखे जीरो पॉइंट एट फाइव इंटू, वैसे इधर बता दो भाई जीरो पॉइंट एट फाइव इंटू एट, जीरो पॉइंट एट फाइव इंटू एट, बोलो भाई, चलिए इधर भी समझ गए, जीरो पॉइंट एट फाइव इंटू एट, बोलिए भाई। अब इनर का कंट्रीब्यूशन बता दो भाई, बस अब नीचे नहीं दिख रहा है, छोड़ दो नीचे, इधर आ जाओ भाई, इनर में कितने इलेक्ट्रॉन है, टू, दो, और एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन वन इंटू टू लिख लें ऐसे, यस, लिख लें भाई टू इंटू वन, यस सर, बात तो यहाँ बताओ, टू इंटू वन, यहाँ बता दो, ये दिख रहा नहीं भैया, सर भी दिख रहा है, दिख रहा इतना दिख रहा ना, यह बताओ भाई हमको फिलहाल फिलहाल दो ही का सीखना, किसका सोडियम का और नहीं, नहीं बाकी सारे और किसी का नहीं, फिलहाल किसका सीखना अभी, सोडियम और सबको पहले मिटा दो आप, सर हो तो गया सर इसका, नहीं समझे इस कैलकुलेट करके बताओ हमको कितना आ रहा है, ये दोनों तो ये दो, ये सिग्मा की वैल्यू हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, किसकी सिग्मा, क्या ये बात आप समझ पा रहे नहीं आशीष जी, ये तो हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना भैया, बोलो भाई तो हमको सबका बताओ कैलकुलेट करके सिग्मा की वैल्यू कितनी हो रही है, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दो प्लस एक आपको हिंट बता रहे हैं, जीरो पॉइंट एट फाइव इंटू एट करो सीधे देखो, एट फाइव जा फोर्टी, एट एट जा सिक्सटी फोर, सिक्सटी एट टू पॉइंट, सीधे देखो सिक्स पॉइंट एट आ जाएगा, yes, बोलो भाई, और 6.8 प्लस 2 9.9 8.0, अरे भाई इसी में 2 और ऐड कर दो, 8.2 8 7 हां सर सही है, क्यों भाई 2 ना ऐड कर रहे हैं भैया, तो यहां सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8.8 वैसे यहां बता दो तो, अरे सर 0.35 भी था भाई, 8.8 तो जीरो हो ही गया ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना भैया, ये तो शील्डिंग नहीं ना करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शील्डिंग करेगा नहीं, करेगा ना, इसमें बताओ भाई कृष्णा जी, पहले ये बताओ ये कितना हो जाएगा, दो, रुक जा आराम से, ये कितना हो जाएगा, सर नौ दस, सिक्स पॉइंट एट प्लस जीरो पॉइंट,
ये 9.15 हो जाएगा। बोलिए भाई। यस सर, हो गया। थोड़ा से ऊपर का मिटा दें, कूड़ा कचरा। हमको तो जेड स्टार क्या फॉर्मूला लिखे थे आप लोग? जेड स्टार बराबर क्या फॉर्मूला लिखे थे? अरे अब ये पढ़ा था जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस जिसमें जेड था क्या? जेड यह नंबर आप प्रोटॉन बोलते हैं, एटॉमिक नंबर वही है। इधर आ जाइए। अभी हम सोडियम अप्लाई करते हैं किस पे? सोडियम नंबर। तो जेड इफेक्ट कैसे निकालते थे? जेड माइनस बताओ भाई, सोडियम का जेड कितना होता है एटॉमिक नंबर? सोडियम 11। और सिग्मा की वैल्यू कितनी है सोडियम के लिए? 8.8। कितना आएगा जेड इफेक्टिव? 2.2। ये आ गया भाई। मैग्नीशियम का बताओ कैसे निकालेंगे? 13 माइनस भाई लंदन वाले 13। तुमने लंदन से हो क्या? मैग्नीशियम 12 सर। तो समझाओ उनको। मैग्नीशियम 12 13 बोल दे। बताओ भाई 12 माइनस सिग्मा पहले? सिग्मा की वैल्यू कितनी आई थी भाई? 9.15। कितना बचेगा ये? सर ये बचेगा सर 0.2.85। यस ये बचेगा क्या? बोलिए भाई। नहीं समझे? यस सर समझ गए सर। ऐसे हमको पोटेशियम का भी बता देते तो मेरा बहुत अच्छा काम हो जाता है। इधर देखो थोड़ा रुक जाओ। पोटेशियम का देखो, इधर आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम के? सर पोटेशियम के सर एक। इनर में मतलब सॉरी पेनल्टीमेट में 8 और इनर सेल में 10। पहले कोई ऑब्जेक्शन आपको? आउटर में एक बचा है ना, इसका शील्डिंग 0। पेनल्टीमेट में 8 है ना, 6.8। इनर में कितना भाई? 68। 10 10 into 1 ये सिग्मा वैल्यू कितनी होगी बताइए? 16.8। इतना समझ रहे हैं आप लोग? यही मैं लिख लूं क्या पोटेशियम का? यस सर 19 माइनस। हाँ बहुत से बोलो भाई। 19 माइनस 16.8 कितना आएगा? 6.8 आप लिख दिए सर। 2.2 आएगा। एक मिनट 16 लिख लो, रुक जाओ। 2.2 सोच लो एक बार। बहुत अच्छा, इतना आ गया ना दोस्त। यस सर बोलो भाई। यस सर अब थोड़ा सा ये वाला नोट कर लियो ना। यस पहले ये एकदम ऐसे ही छापो तो कॉपी में। ऐसे का मतलब पहले सोडियम का उसके नीचे, सोडियम के सामने मैग्नीशियम का, ऐसे छापोगे आप? पहले ये नीचे थोड़ा जल्दी छापो इस टॉपिक को, एकदम प्यार से बना है। ये फिर लिखोगे अभी? नहीं वो लिखे ही नहीं है सर। अच्छा लिखो, समझा देते आपको। अच्छा ठीक है भाई, हम नहीं ध्यान दिए। ये तो नहीं ना लिखोगे अब? नो सर, ये भी लिखना पड़ेगा। लग रहा है इसे गोली लेके चला रहे सिग्मा का। अरे देखो यार, फील करो। ये पूरे चैप्टर का यही इम्पोर्टेंट है भाई। समझ गए सर, समझ गए तुम। ऐसे जितना मैथ आपको आता है ना, जोड़ने घटाना है सर। 10 पास हो गए सर इसी से। 10 पास हो गए इसी से। यस सर, बड़े अब समझदार है भाई। हम लोग को लगा कि मतलब ऐसे ही खेल कर रही है, कौन से पास है। लेकिन आप तो सीबीएसई बोर्ड से पास हो गए। सर हमारी कॉपी छोटी है, इसे नहीं अट पाए। ये भाई ऐसा ही लिखना है इसको कैसे? इससे नहीं मतलब है, नहीं समझ रहे इससे कोई मतलब? इतना तो भाई कॉपी छोटी है कि एक तरफ ये नहीं आ पा रहा, एक तरफ वो नहीं आ पा रहा। जान दो भाई, गुस्सा मत दिलावे। ये भैया इसमें कहां कुछ लिखना बहुत है यार। यस सर वही तो हमको उधर से स्टार्ट करें। थंब कहां से स्टार्ट कीजिए? हां वहां से स्टार्ट कॉपी। हां लिख लीजिए सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कहीं लिख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। गुस्सा मत, कोई बात नहीं। कैसे हो छाप लो भैया? आशीष जी, आशीष जी कल हम तो ये 4 लेकर गए थे इसीलिए। क्या अरे वो कॉपी है, 4 साइज है। अरे यार तुम गजब बात करते हो, ये भी नहीं पता कि हम क्या लेकर गए। इसीलिए ना बायो लिए। अच्छा बायो को सस्ता बुकते हो। अब इसी को यहाँ पे ऐसे लाइन खींचो, यहाँ पे नहीं पहले यहाँ लाइन खींचो। ये कच्चा को आता नहीं था पहले बायो में। यहाँ लाइन खींचो, ऐसा लिखो कितने मजे से हमसे बतिया। इधर आओ, हमसे बतिया सकते हैं। करा बायो लियो, इसीलिए ये कच्चा आता नहीं था। भाई शोर मत करो। यस सर हो गया, अच्छी बात है। इनका भी नोट करो जल्दी से सर। पोटेशियम का लिखे हो? यस सर दिखाओ।
तो बड़ा जल्दी छाप कहाँ से दिया? सर मैं देखो माइटर कहाँ से तुम ये नहीं छापे हो गए? छापे हैं सर, देखो। हाँ देखो छापे। हाँ यार ये वाला पोटेशियम वाला है, ये वाला ये भी छापो। इसीलिए पहले ही काम धंधा बटोर के घर भाग गए। इधर छापो, इधर किनारे कोपचम जगह है ना, नहीं नहीं वहाँ उसके बगल में ऐसे लाइन डर देगी, इधर करके केले के छापो, उसका वैल्यू साथ में आओ इन लोगों के भाई। पहले छाप के अपना भाग रहे थे। ट्रैक्टर चलाना है क्या आपको? पहली बार देखा गया कि करोड़ का ट्रैक्टर लोग लेके गए रैली में। सोचिए 60-60 लाख 70-70 लाख। पहले स्टार्टिंग में 35 लाख से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कुछ तो ऐसे जो अपना पूरा वो जो कंबाइन आता है, कंबाइन वो पूरा फैक्ट्री अपना छोड़ दिया दिल्ली जाने के लिए प्रचार में। देखिए इसको कहते हैं ईमानदारी यार। अगर नेता भी अपने स्कॉर्पियो उसी में लगा देते, सोचिए कितना जबरदस्त किसानों का काफिला होता है। चुनाव आता तो घर घर घूमते, गांव गांव घूमते हैं। जो किसान की समस्या है तो किसी का पता नहीं, किसी पार्टी का नहीं पता है। सर लेकिन ये 36 साल के बाद सबसे बड़ा आंदोलन देश का ना, इसके पहले किसके समय हुआ था? किसान का सबसे बड़ा आंदोलन इसके पहले जो हुआ था किसकी? इंदिरा गांधी के समय। उनके समय हुआ था 36 साल पहले, 1956 की कितने कुछ हुआ था, 82 में शायद, या सब 82-83 में हुआ था किसान आंदोलन। लेकिन इस बार तो किसान बेचारा अकेले, कोई बढ़िया कोई सपोर्टर नहीं है। सर उस समय कोई सपोर्टर नहीं, यही होती है ना लड़ाई में, सर सपोर्ट कर भी रहे हैं तो सब चलिए मीडिया से अलग ही बात। सर मीडिया ने इधर आ जाओ थोड़ा सा भाई, ये हो गया सेटअप। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सब बीबीसी। अगर इधर देखो, इधर देखो, सोडियम सब किधर गए भाई? फिर कौन आएगा भाई? फिर ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये हम ये कर सकते भाई कि वेन वी मूव हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? ये डाटा देख के बताओ जेड इफेक्टिव क्या हो गया? बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, सोच लो एक बार, बढ़ रहा है कि नहीं भाई? बढ़ रहा है, बोलिए भाई। अच्छा देखो भाई अब किसको देख लो, अगर डाउन द ग्रुप गए, कहाँ गए? डाउन द ग्रुप देखो कॉन्स्टेंट हो गया, जेड इफेक्ट क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। टॉप टू बॉटम गए तो टॉप टू बॉटम गए तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है देखिए। अरे टॉप टू बॉटम गई ना भाई, लेफ्ट राइट गए तो बढ़ रहा है, क्या हो रहा भाई? बढ़ रहा है। याद रखो अभी तुम घर याद रखो, पहले याद ये आप घर से इसका निकाल के लाओगे डाटा? यस सर एकदम निकाल। ये आप ग्रुप में सेंड करना पहले, इसके नीचे का ये दोनों, ये रुबिडियम का सीजीएम का ट्राई करना आप, ठीक है? क्या है सर? क्या ऐसे बता रहा हूँ मैं, मैंने दो का जेड इफेक्टिव बताया ना आपको, बोलो भाई सोडियम का और दो का निकाला ना। अब आप लोग निकाल बोले थे सर आप कहो तो 118 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, उसी तरह से आप इनका निकालिएगा। और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई? अगर नहीं भी आएगा तभी आप ग्रुप में सेंड कीजिएगा, हम तुरंत उसको आ जाएगा सर, अभी नहीं आएगा तो क्या आएगा, ठीक। अच्छा इधर देखो आप इसका निकालोगे, बस इतना भी सीखना हमको है कि जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सेम रहेगा, कांस्टेंट होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगा। ये डाटा समझ पा रहे हैं? यस सर समझ गए। जबकि हमारे एग्जाम में डाटा नहीं देता है, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, नहीं होता, लेकिन माहौल बनाने के लिए फील करने के लिए हमको थोड़ा सीखना पड़ता है। यस सर समझ गए भाई, नोट कर लीजिए इतना आज। यस कितना झगड़ा है यार सर,